नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। पुलिस के चर्चे तो आए दिन आप सुनते ही रहते होंगे, लेकिन जो हकीकत आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज हम आपको एक ऐसे दरोगा की काली हकीकत का सच बताएंगे जिसे बड़े बड़े अधिकारियों ने सम्मानित किया, जिसे उसने सिर्फ 9 सालों में अपना काली कमाई से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो मेरठ से निकली इस खबर ने लखनऊ में बैठे आकाओं की जमीन खिसका दी। आज हम आपको दिखाते हैं कैसे चला इस दरोगा पर योगी का बुलडोजर। बदन पर खाकी, ताक पर कानून, सिर पर काली कमाई का जुनून, मेरठ का करोड़पति दरोगा, दरोगा का गेम ओवर। आंखों पर काला चश्मा, जैसे कोई फिल्म स्टार हो। काले चश्मे वाले इस दरोगा के चर्चे मेरठ से लेकर लखनऊ तक हो रहे हैं, क्योंकि काली कमाई का जुनून इस कदर सवार हुआ था कि कानून की भी धज्जियां उड़ाते हुए अपने काले साम्राज्य को बसाता चला गया। अब तक आपने इसकी तस्वीरें देखी, अब इसके कारनामे भी सुन लीजिए। ये कोई ऐसा वैसा दरोगा नहीं है, ये करोड़पति दरोगा है। नाम है धर्मेंद्र सिंह। साल 2018 में धर्मेंद्र सिंह हस्तिनापुर थाने के दरोगा हुआ करते थे। इसी दौरान उन्होंने हस्तिनापुर सेंचुरी में एक फार्म हाउस बनवा दिया। यहाँ बड़ी बात यह है कि सेंचुरी में पक्के निर्माण बनाने की इजाजत ही नहीं है, लेकिन इन साहब का रसूख इतना था कि इनके सामने नियम कानून बौने साबित हो गए। एक दो बार इनकी शिकायत भी हुई, लेकिन सफेद पोषों का संरक्षण सिर पर था तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये शातिर दरोगा शायद भूल गया था कि यहाँ योगी सरकार है और यहाँ भ्रष्टाचारियों को सिर्फ बुलडोजर मिलता है। अब जब इस दरोगा की शिकायत हुई तो जांच बैठी, और जांच हुई तो जांच अधिकारियों का सर भी चकरा गया। 9 साल में तनख्वाह मिली 62 लाख, लेकिन खर्च कर दिए 1.5 करोड़। मेरठ में कई फ्लैट, करोड़ों रुपए का फार्म हाउस जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर हर बड़ी सुविधा थी। यहाँ कई सफेद पोशों का भी आना जाना लगा रहता था। बड़ी बड़ी डील इसी फार्म हाउस में अंजाम दी गई। लेकिन अब जांच के बाद धर्मेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया है और अब इस दरोगा की बेनामी संपत्तियों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।